ओके स्टैंडर्ड 7 एक्सरसाइज नंबर 4.4 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। उसमें सेकंड में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ए, ए के जैसा ही बी और सी है, तो पहले ए करवा देता हूँ, बी सी अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इज द क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो हाइएस्ट मार्क्स क्या, हाइएस्ट जो मार्क्स है वो क्या लोएस्ट मार्क्स के 2 times से 7 ज़्यादा है। हाइएस्ट मार्क्स जो है इज इक्वल टू 2 times लोएस्ट प्लस 7। तो इसका हम फुल फॉर्म में ऊपर लिखा है, देखो मैंने हाइएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 2 times लोएस्ट प्लस 7। तो अब क्या बोला है कि हाइएस्ट मार्क्स अगर 87 है तो लोएस्ट स्कोर कितना रहेगा। तो पहले हम लिखते हैं कि हाइएस्ट 7 है, हाइएस्ट हम मान लेते हैं कि लोएस्ट स्कोर जो है ना, लोएस्ट है वो एक्स है। क्या है लोएस्ट? एक्स। तो ये एक्स है तो हाइएस्ट कितना होगा, तो हाइएस्ट होगा 2x प्लस 7। कितना होगा, यहाँ पे x रखो तो 2x प्लस 7। तो अब मान के चलो कि इक्वेशंस क्या बना हमारा, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, ओके इक्वेशंस पूरा क्या हो जाएगा, अभी देखो हाइएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू लोएस्ट का 2 times प्लस 7। अब देखो इक्वेशंस ये बना हाइएस्ट का और हाइएस्ट मार्क्स हमको दिए हुए कितने दिए, 87। तो हाइएस्ट मार्क्स की जगह पे 87 रखो तो 87 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। बस अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या है 2x प्लस 7 87। LHS RHS बना दिया और RHS LHS बना दिया, बस हमारा सिंपल फंडा। अब इसको 7 को रिमूव करना है, 7 को रिमूव करना है तो 7 दोनों साइड माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तो 87 माइनस 7, तो 7 कटेगा तो 2x इज इक्वल टू 80। क्या आया 2x इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो तो 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 2 कटेगा तो x इज इक्वल टू 40। आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 40। ऐसे ही आप सेकंड और मीन्स बी और सी वाला भी ट्राई कर लेना। ओके देखो सी का सिंपल आपको बता देता हूँ, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, तो राहुल का स्कोर ले लेना है और सचिन का ले लेना है, तो एक का दूसरे से ट्वाइस है तो इसका इक्वेशन बना के आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट करवा देता हूँ। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्या बोला है कि इरफान सेज दैट, इरफान ने क्या बोला है, ही हैज अ 7 मार्बल मोर देन 5 times ऑफ द परमिट हैज, और इरफान के 37 दिए। तो इसका इक्वेशन बनाओ, जो बोला है वो हिंदी में पहले कन्वर्ट करो कि जो इरफान है ना, इरफान उसके पास में जो मार्बल है वो कितनी है, तो जो परमित के साथ में जो मार्बल थी ना, वो परमित के साथ में जो मार्बल थी उसके 5 times। क्या इरफान के साथ में मार्बल्स, इरफान के पास में कितनी मार्बल है, तो परमित के साथ में जो थे इसके 5 times और उससे भी 7 ज्यादा है। क्या है, उससे भी 7 ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ कि परमित के साथ में, परमित के पास एक्स मार्बल है तो इरफान के पास में कितनी हो जाएगी, तो इरफान के साथ पास में 5x प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7। बस अब जो दिया है उसकी वैल्यू रखो, तो इरफान के मार्बल की वैल्यू 37 दी है तो वो ले लो, तो 5x प्लस 7 जिसकी वैल्यू हमको 37 दी हुई है, तो ये 7 को रिमूव करो, तो ये 7 को रिमूव करना हो तो ये जो 7 है दोनों साइड पे सब्सट्रैक्ट कर दो, 7 को दोनों साइड पे सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये 7 कटेगा, तो 5x इज इक्वल टू कितना आया, 37 माइनस 7 तो ये क्या हो जाएगा 30। तो ये 5x में 5 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड, तो ये 5 कैंसल तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6। तो ये x इज इक्वल टू 6 मीन्स परमित के साथ या तो परमित के पास में 6 marbles है। अब देखो मुझे देखना है कि मेरा इक्वेशन जो आया वो सही है कि गलत है। तो अब देखो तो 5x प्लस 7 की वैल्यू हमने 37 ली है, तो अब x की वैल्यू उसमें रखो तो आंसर आता है कि नहीं आता है, तो 5x प्लस 7 तो x की जगह पे रखो 6, तो 5x की जगह पे 6 रखा प्लस 7 तो 5 6 30, 30 प्लस 7 तो 37 जो हमारा पूछा हुआ था वो आंसर आ गया ना, तो x इज इक्वल टू 6 मीन्स परमित के पास में जो मार्बल्स है उसकी वैल्यू 6, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो ये सॉल्व द फॉलोइंग में ये ए वाला हमने सॉल्व किया, बी का सिंपल हमको आपको बता देता हूँ इक्वेशंस कि लक्ष्मी के फादर की एज की 49 है, तो उसकी एज जो है तो ऐसे लिखो, तो यहाँ पे फादर की एज
तो फादर की एज, उसकी जो एज है वो क्या है, लक्ष्मी की एज से थ्री टाइम्स, तो थ्री टाइम्स लक्ष्मी की एज, उससे भी फोर ईयर ओल्डर मीन्स फोर ईयर ज्यादा। तो बस इसको सॉल्व कर दो, बस ये इक्वेशन। तो फादर की एज लक्ष्मी की एज से थ्री टाइम्स और उससे भी फोर ज्यादा। अब क्या ले लो, 49 दिया हुआ है, किसकी, लक्ष्मी के फादर की एज, तो इसकी इसका आप ले लो कितना, 49। तो 49 थ्री लक्ष्मी की एज प्लस फोर, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, तो 49 तो ये 4 सामने जाएगा, तो 45 इज इक्वल टू 3 लक्ष्मी की एज, ये 3 से कटेगा तो लक्ष्मी की एज आ जाएगी 15 ईयर, कितनी आ जाएगी 15 ईयर। ओके, मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन आप डायरेक्ट मत जाना, आप हमारे मेथड वाइज ही जाना। अब वैसे थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना अपने हिसाब से। सॉल्व द फॉलोइंग राइडल, तो आई एम अ नंबर, टेल मी माई आइडेंटिटी, मैं एक नंबर हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एन 850 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी टू स्टिल नीड 40। ओके, देखो क्या पूछा हुआ है कि मैं एक नंबर हूँ और मुझे मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एन 850, तो हम मान लेते हैं पहले से जैसा जैसा बोला है ना कि मेरा 7 टाइम लो, मीन्स एक्स का 7 टाइम लो और उसमें 50 ऐड करो, तो 50 ऐड कर लिया, तो ये वन साइड की बात हो गई। तो क्या होगा, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, तो ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए भी टू स्टिल नीड 40, अभी भी ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए 40 चाहिए, मीन्स ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम है, तो ट्रिपल सेंचुरी में 300 में से 40 कम मीन्स कितना हो जाएगा, 260, कितना हो जाएगा 260। बस अब उसको सॉल्व करो, तो ये 50 को रिमूव करना है, तो दोनों साइड 50 माइनस, तो यहाँ पे भी 50 माइनस, यहाँ पे भी 50 माइनस, तो 50 गया, तो 7x is equal to कितना आया, 210। अब ये 7 मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों साइड पे 7 का डिवीजन कर दो, तो ये 7 जाएगा, तो x is equal to आंसर आ जाएगा 30, तो x is equal to आंसर आ जाएगा 30। तो क्या पूछा था, देखो टेक मी 7 टाइम्स ओवर एन एट 50, तो 7 टाइम्स का ले लिया, उसमें 50 ऐड किया, तो अभी भी ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए 40 चाहिए, तो ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए 40 चाहिए, तो 300 माइनस 40, तो 260, यहाँ पे भी 50, तो 50 दोनों साइड से माइनस करो, तो 7x प्लस 50 माइनस 50, 260 माइनस 50, तो 7x इज इक्वल टू 210। तो आ गया आपका आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 30।